क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रोल मास्टर हूँ? नहीं, ये वाला रेस तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बना है। इसके जैसे पागल लोगों के लिए क्या? नहीं नहीं, बहुत पागल नहीं, 200 IQ प्लेयर्स। तुम लोग को सही में लगता है कि कोई ट्रोल रेस ऐसा है जो मेरे को चकमा दे सकता है? ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। अगर क्या बोलते हैं, आपके आगे दीवार आ जाती है तो आप लोग को फुल स्पीड में जाके उसको ठोकना पड़ता है। लेकिन एक सेकंड रुको, ये पीछे क्या है? वो गलत रास्ता है, मत जाओ। अगर तू गलत बोल रहा है तो यही सही रास्ता होने वाला है। ओह नो, आप चिंता मत करो, इतना इजी नहीं होगा। अब गाइस, जो ट्रोल रेस है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रास्ता कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन मेरे नीचे कैसे गिर गया? क्या बात है, हम लोग यहाँ पर स्पॉन हो गए और यार रास्ता यही पर था, बीच में जाना चाहिए था मेरे को। अभी ये क्या इनविजिबल दीवार कैसे आ गई? आपका ट्रोल रेस में स्वागत है। बॉब दी हक्कू, तेरी ऐसी तैसी आराम से गोल गोल घूम रहे और यहाँ पर मेरा टॉर्चर हो रहा है। गाइस, ये तो सही रास्ता होना चाहिए ना। अबे यार कहाँ जाऊँ? तीन के तीन रास्ते कैसे गलत हो सकते हैं? वैसे तो एक रास्ता सही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, लगता है हम लोग को अपना शर्लॉक का दिमाग यूज करना पड़ेगा। बोपिता जितना दिमाग है और बोल रहे शर्लॉक। तू शांत रहे, तेरा दिमाग तो उससे भी छोटा। और रैंप लगा दिया गाइस, मैं जानता हूँ। ये क्या बे, गाड़ी उल्टी हो गई और मैं अबे केज के अंदर बंद कर दिया। कोई जल्दी से केज पे ताला लगाओ। नहीं नहीं, मैं तो डर गया। अबे रेस है, मैं रिस्पॉन कर सकता हूँ। घोचू कहीं के? ओ नो, मैं भूल गया था। स्मॉल ब्रेन कहीं का भूल जाता। और ये कैसा रेस है यार, आगे रास्ता है लेकिन बीच में इनविजिबल वॉल है। यहाँ पर रास्ता नहीं है लेकिन बीच में इनविजिबल वॉल नहीं है। ये कोई इजी ट्रोल रेस नहीं है। मेरी जान, तू चिंता मत कर, मैं ये रेस कंप्लीट करके रहूंगा। कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा यार, रेस बनाया है, रास्ता भी तो डालना पड़ेगा ना, नहीं तो गालियां पड़ जाएगी जिसने बनाया। ओके, तो हम लोग तीनों जगह चले गए हैं। ये ऊपर वाले रैंप पे भी चले गए हैं और ये जो बीच में होल्स है बड़े बड़े, उसमें भी चले गए हैं। जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ, आराम से केज में बंद हो जाओ। ये क्या है, पुराने दिन याद आ गए। आइए देखा गाइस, बोला था ना 200 IQ। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को यहाँ से कहाँ जाना है। चॉप सही में बिल्कुल भी मजाक नहीं करता, उसने बोला था कि ये खतरनाक होने वाला है। अभी है तो मेरा भाई मेरी तरह हर चीज को लेके सीरियस है। मेरे प्यारे गटर गट्टू, आप हर चीज को लेके सीरियस नहीं हो। दो ही चीज है जिसको लेके आप सीरियस हो, एक है खाना खाना, दूसरा है हगना। सबके सामने मेरी इतनी तारीफ मत करो, मेरे को शर्म आ रही है। शर्म क्या भाड़ में यार, जाना कहाँ पर है? क्या है? ओके, तो गाइस हम लोगों ने आगे की तरह छप्पर छप्पर छान मारा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पीछे की तरह स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, प्लीज चले जाइए। क्या बात है, बहुत तेज हो गई हूँ, नीचे गिर गए इसलिए। आई एम प्रीटी श्योर दैट देयर इज अ इनविजिबल वॉल नॉट हियर, कहीं और है। यहाँ थोड़ी होगा यार, ये काफी कॉमन प्लेस है। सही बोला, बहुत कॉमन प्लेस है। अब जाना कहाँ पर है? एक सेकंड रुको गाइस, यहाँ पर कोई इनविजिबल रोड तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रोल रेसेस में ऐसा हुआ है, लेकिन इस वाले ट्रोल रेस में ऐसा नहीं है। बोला था ना, नॉर्मल रेस नहीं है। अरे तू चुप कर भाई, खुद तो मेरे को फॉलो कर रहा है और मेरे को बोल रहा है एक्शन किक। उड़ाया क्यों? मैं अपना एक्शन किक ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ देखा वहां पर। मैंने देखा कुछ तो था वहां पर, कुछ तो था, ये सुपर हीरो लैंडिंग। आइए, और इन चमचों को तो देखो भाई, ये सही में मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ और ये लोग आगे जा रही है। जब तुमने हमें गिराया था तो हम लोग को भी दिख गया था। ओह नो गाइस, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन कोई नहीं, इन लोग को गिरा के मजा आया। और भाई मेरी मदद कर दो प्लीज, मेरी गाड़ी कॉकरोच की तरह उल्टी हो गई। एक्शन, ये तो सीधी हो गई। क्या बात है, तुम भी एक्शन किक मारने की कोशिश कर रहे हो क्या? वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहा। वो इतना आसान नहीं है। और एक सेकंड रुको, मैंने कुछ तो देखा वहां पर। सही में गाइस, जिसने भी ये वाला मैप बनाया है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये एक्शन किक लग गया ठीक है ना, तुक्के से लग गया होगा, कौन सी बड़ी बात है। और यार यहाँ पर मैं वापस से फंस गया, प्लीज हेल्प मी। अरे रुको, ये कैसे हुआ? बिग ब्रेन होने के थोड़ी ड्रॉबैक्स है, तुम लोग नहीं समझोगे। हाँ आराम से, नाइस, बढ़िया, हल्का सा प्यारी सी चुम्मी, थैंक यू, यू आर वेलकम। मेरे को तो गिराने का मन कर रहा है इसको। अब देखिए वाला रेस थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो हम सब लोगों को अपना दिमाग कंबाइन करना पड़ेगा। सही बोला बिल्कुल। इवन तो तेरा दिमाग कंबाइन करने के बाद ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, बट स्टिल यू नो, बूंद बूंद से सागर बनता है। अरे गजब पेस्टी मार दी। तुम लोग तो नीचे गिर गए, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये देखो आ गया यहाँ पर। हम लोग बस पीछे ही है, आ रहे हैं। ओके, तो गाइस ये वाला तो मेरे को उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार, इसमें तो कुछ ज्यादा ही ऑब्स्टिकल्स है। सही रास्ता कहाँ पर है? और प्रॉब्लम ये है कि सही रास्ता कहीं पर भी हो सकता है।
लगता है यार, आप लोग को तो पता ही है कि दीवार के अंदर से भी चले जाते कभी कभी। ओला ला क्या बात है, लगता है हमारी गलती ने हम लोग को सही डायरेक्शन में भेज दिया है। प्लीज वो गलत डायरेक्शन हो प्लीज। अब तो कितनी भी प्रेयर्स कर ले कोई फायदा नहीं ब्रो, क्योंकि मैं एकदम सही डायरेक्शन में आ गया। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है और हमारा चेक पॉइंट यही पर था। व्हाट, ध्यान से खेलो, बहुत कंफ्यूजिंग मैप है। सही बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉब चिंता मत कर, हम सब जानते थे यार, तेरे में दिमाग थोड़ी है, तेरे से कैसे होगा ये। अब हम लोग को एक जंप करना पड़ेगा जो कि कम ऑन गाइस, सीरियसली मैं प्रोफेशनल ड्रिफ्टर हूँ, ये लोग भूल गए क्या? हाँ? आप चुप बैठिए, आप तो यहाँ तक आए भी नहीं हो। और गाइस यहाँ पर आई थिंक हम लोग को हल्की सी स्पीड की जरूरत है। ओके तो कामे हामे, मेरा दिल कह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया प्लान है, जंप यहाँ से हो भी सकता है। इस वाले मैप में कुछ भी हो सकता है। सही बोला गाइस, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को हर एक चांस लेना पड़ेगा यार, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकते लेकिन वो हो जाता है, और ऐसा लगता है कि ये चीज हो सकता है लेकिन वो नहीं होता, और मैं अटक भी गया। देखो गाइस, थर्ड टाइम इज अ चार्म। और बाप रे, ये चार्म नहीं, ये तो ब्लास्ट निकला। तोड़ा क्यों नहीं? मेरा नाम न्यूक्लियर है, तुझे क्या लगता है छोटे मोटे ब्लास्ट से मैं उड़ जाऊंगा? और गाइस मेरे को लगता है नहीं कि ये जंप हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को यही से जाना था। ए तू बिस्किट खा रहा है क्या? बिस्किट क्या होता है? मेरे को नहीं पता बिस्किट क्या हो जाए, क्या बिस्किट हो जाए बिस्किट। हाँ तू बिस्किट खा रहा है, मेरे को भी दे। अच्छा ठीक है ना यार, नाखून लग जाएंगे, ये ले। इतने कम क्यों है? बहुत कम नहीं है, आधे से ज्यादा है। चुप, तुझे सही में लगता है कि आधे से ज्यादा बिस्किट इसके लिए ज्यादा है? यार ये क्या है, बूस्टर को लगा दिया और वो भी इनविजिबल था। जो भी कहो बिस्किट टेस्टी है। जानते हो ब्रो, हाइड एंड सीक बोलते हैं, चल अब दे। सारे बिस्किट मेरे पेट में है। इतनी जल्दी कैसे खा सकता है यार? मेरा बिस्किट था वो, तूने खा लिया। आई नो माई टैलेंट इज वेरी गुड, डोंट गेट शॉक्ड। शॉक्ड नहीं, सैड हुआ यार, मेरा बिस्किट था और बुक्कर ने खा लिया। और यार यहाँ से तुम लोग जा ही नहीं सकते, कैसा मैप है ये? विल यू गॉट जा रही हूँ यार, यही रास्ता था जंप के बाजू में, इसको कैसे नहीं देखा मैंने? आपकी आंखें स्लो है क्या? है स्लो ही, तभी तो नहीं दिखा मेरे को, क्या करो किस्मत ही खराब है। चिल करो। बिल्कुल सही बोला गाइस, चिल करो। सही में गाइस, अब तो मेरे को डर लग रहा है, ये रास्ता कहीं पर भी हो सकता है, और यहाँ पर इतने सारे रास्ते क्यों है? अभी ये वाला मैप किसने बनाया है? वो FBI में था क्या, या फिर CID में था, या CBSE में था, कहाँ था अभी? टेंथ फेल था और वो कॉलेज पास वालों को फेल कर रहा है, ये क्या मैप है सही में? तुम लोग को क्या लगा मैंने ये वाला रास्ता मिस कर दिया? यहाँ पर कुछ नहीं है। किसने बोला? इतना बड़ा कमाल का रैंप दिख तो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि गाइस इस रैंप से कुछ होने वाला है यार, ये सही में कैसा मैप है, कहाँ जाना है? न्यूक्लियस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दीवार के थ्रू भी जा सकते हैं, तो इस पूरे मैप में कहीं पर भी रास्ता हो सकता है, कहीं पर भी। ये जगह तो एक खुली भूल भुलैया है। चेक पॉइंट हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। गाइस आप लोगों ने ऊपर देखा क्या? लगता है मेरे को रास्ता मिल गया, मैं इतना स्मार्ट क्यों हूँ? कहाँ जाना है? देखो तो सही, कैसे धूमिला के पीछे आ गया, अपना दिमाग यूज करना। वही तो नहीं है। फाइनली बॉब ने मान लिया कि उसके पास दिमाग नहीं है। नूब, अब ये तुमने क्या बोल दिया? अब क्या करे, हक दिया। हाँ उसपे तो तू एक्सपर्ट है। और गाइस ये देखो, जो ऊपर ये जो छेद है ना, वहाँ से तो हम लोग जा नहीं सकते यार। सही में जाना कहाँ पर है? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ ना। नहीं आई थिंक हम लोग यहाँ पर जा सकते, फुल स्पीड में जाना पड़ेगा, लेकिन वापर एक इनविजिबल बोली, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे। बोला था ना ओपन भूल भुलैया है। क्या मेरे पास मेरी न्यूक्लियस की शक्ति है? हम लोग ये कर सकते हैं। और ये वापस से गलत रास्ता निकल गया। यहाँ पर एरो तो लगे हुए हैं, मतलब पीछे की तरह थोड़े छुपे हुए, तो मे बी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक अच्छा सा जंप मारना पड़ेगा। और आई वो गलत रास्ता है, हमने पहले ही चेक कर लिया था। अगर तूने चेक करा है तो पक्का कुछ ना कुछ मिस करा होगा। और ये बाप रे, एनाकोंडा वाली रोड कहाँ से आ गई? हमने तो पहले ही बोला था। हाँ तो ये बोल देता ना कि तूने भी चेक करा है। मैंने तो पहले ही बोला था। चुप बैठ, एक शब्द भी मत बोल। और ये 3 के अंदर थे तो नहीं जाना। अबे यार ये क्या है, क्यों गिर रही है? ओके तो चेक पॉइंट यहाँ ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर भी एक छेद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वहाँ पर कैसे जाए? जानिए आज के इस एपिसोड में। अब तो बारिश भी स्टार्ट हो गई, वहाँ मजे आ गए। कहाँ जाना है गाइस, बताओ यार कोई तो हेल्प संभाले।
हम लोग को इस मैप वाले के जैसे सोचना चाहिए, ठीक है गाइस। जहाँ पर भी आप लोग को लग रहा है कि आप जा सकते हो, वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जाना कहाँ है, कोई तो बताओ। बारिश गिर रही है और मेरी जैसा मासूम बच्चा यहाँ पर फंस गया है, कोई बचाओ ना। ग्रिल के ऊपर भी तो जा सकते थे यार, हम लोगों ने इतनी देर से। यार ये भी बंद कर रखा है, कैसा बंदा है, किसने बनाया है मैप? जिसने भी बनाया है बहुत चलाक है। हाँ गाइस, ऐसे सिचुएशन में हम लोग को थोड़ा काम रहना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से से कुछ होता थोड़ी। अब ऐसा थोड़ी कि दीवार के अंदर घुस जाऊंगा गुस्से में टकराने से, है ऐसा नहीं होता भाई। कहाँ जाना है यार, हर जगह चले गया मैं। और यार यहाँ पर तो इतनी देर, सही में कितना सर्रियल मैप है यार। मतलब आंखों के सामने, सामने तो नहीं पीछे साइड में था, लेकिन यार ये क्या है, बहुत ही ज्यादा गंदा मैप है ये। लेकिन तू गया कहाँ? मैं क्या बताऊँ, ढूंढो बैठ के। कुछ मत, अभी तूने कंप्लीट नहीं करा। ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोली गाइस, अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करा तो खुश नहीं होते हो। और यार ये कितना इनविजिबल वॉल डालेगा भाई, इतनी बार टकराए अपन लोग इनविजिबल वॉल से। और प्लीज भाई कंप्लीट करवा दो। देखो यहाँ पर एरो है, चेक पॉइंट है, ओपन में बारिश हो रही है, आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। ओह नो, और हम लोग को डीएनएफ मिलने वाला है। देखा न्यूक्लियस बोला था ना, अब आप लोग की शक्ति है मेरे पे तो हो जाएगा यार इजी। देखो सिर्फ 17 मिनट के अंदर हो गया।